हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे वो है एपिजियोटॉमी। एपिजियोटॉमी को पेरिनियोटॉमी भी बोला जाता है। यहाँ पर पेरिनियल एरिया पर अपन एक प्लांट इंसिजन करते हैं, मीन यहाँ पर पेरिनियल एरिया पर एक कट लगाया जाता है ड्यूरिंग लेबर। लेबर की जो सेकेंड स्टेज है उस टाइम पर पेरिनियल एरिया पर एक कट लगाया जाता है, जिससे कि जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको वाइड किया जा सके और फीटस को अच्छे से डिलीवर्ड किया जा सके। ये एक प्लांट इंसिजन है। इसका मीन है कि यहाँ पर हर फीमेल के अंदर अपन ये प्रोसीजर नहीं करते हैं, जहां पर इसकी जरूरत पड़ती है तभी एपिजियोटॉमी अपन परफॉर्म करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी डेफिनेशन की। तो यहां लिखते हैं अपन इसकी डेफिनेशन। इट इज ए प्लांट इंसिजन इज मेड ऑन पेरिनियम ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज नोन एज एपिजियोटॉमी। इट इज ऑल्सो नोन एज पेरिनियोटॉमी। इसको पेरिनियोटॉमी भी बोला जाता है। अब देखिएगा, यहां पर क्या होगा, एक प्लांट इंसिजन होगा। मीन अपन पहले ही देख लेंगे कि अगर फीटस जो है, फीटस का हेड बिग है या पेरिनियल रिजिड है या ब्रिज प्रेजेंटेशन है, तो ड्यूरिंग कैसी पोजीशन है उस टाइम पर अपन ड्यूरिंग सेकंड स्टेज में यहां पर पेरिनियल एरिया पर कट लगाएंगे। मीन हर फीमेल के अंदर अपन ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर ही करेंगे। तो यहां पर एक प्लांट इंसिजन मेड करेंगे, और किस जगह पर इंसिजन लगाया जाएगा, ऑन पेरिनियम। मीन जो वेजाइना की फोरचिट है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वेजाइना से लेकर जो एनस के बीच का पार्ट होता है, उस एरिया को बोलते हैं पेरिनियल एरिया। तो यहाँ पर पेरिनियम पर एक इंसिजन लगाया जाएगा, और वो भी कब लगेगा, ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। मीन जब फीटस की डिलीवरी होगी सेकेंड स्टेज के अंदर, तो उसी टाइम पर अपन इंसिजन लगा देंगे और वेजाइनल ओपनिंग को जो है वाइड कर दिया जाएगा, चौड़ा कर दिया जाएगा, जिससे कि फीटस इजी वे में डिलीवर्ड हो सके, सेफली डिलीवर्ड हो सके। अब इसी को अपन पेरिनियोटॉमी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिएगा, यहां पर बात करते हैं अपन इसके ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके उद्देश्य क्या है इसको करने के। तो देखिएगा, टू एनलार्ज वेजाइनल ओपनिंग सो एज facilitate fetus are easily delivered। यहां पर जो अपना ऑब्जेक्टिव है, जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको वाइड किया जाए, और उसकी वजह से क्या होगा, एनलार्ज करने की वजह से क्या होगा, फैसिलिटेट, जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी, फीटस आर इजीली डिलीवर्ड। यहां पर फीटस अच्छे से डिलीवर्ड हो सकता है। नेक्स्ट लिख सकते हैं अपन, ओवर स्ट्रेचिंग रिड्यूस बाय दिस प्रोसीजर। यहाँ पर जो पेरिनियल वाले एरिया की ओवर स्ट्रेचिंग हो सकती है डिलीवरी के टाइम पर, तो उस ओवर स्ट्रेचिंग को रिड्यूस किया जाता है इस प्रोसीजर के थ्रू, जिससे कि क्या होगा, सो पेरिनियल इंजरी रिड्यूस। जो पेरिनियल एरिया के टिश्यूज हैं, वहां पर जो टिश्यूज हैं उनकी
इंजरी हो सकती है, तो इंजरी की रिस्क को अपन कम कर सकते हैं इस प्रोसीजर के थ्रू। एंड एक और ऑब्जेक्टिव है जो यहां लिख सकते हैं अपन, रिड्यूस द रिस्क फॉर फीटल हेड इंजरी। फीटस के हेड पर जो स्ट्रेस लगने की वजह से इंजरी हो सकती है, तो एपिसियोटोमी करकर अपन फीटल के हेड पर इंजरी को होने से रोक सकते हैं। तो ये तो सब हुए अपने ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कहां कहां पर आपको एपिसियोटोमी करने की जरूरत पड़ेगी, मीन इसके इंडिकेशन की बात करते हैं अपन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट लिखते हैं अपन इंडिकेशन। देखिएगा एपिजियोटोमी करने की कहां कहां अपन को आवश्यकता पड़ेगी, तो लिख सकते हैं रिजिड पेरिनियम। अगर पेरिनियम रिजिड है तो अपन एपिजियोटोमी परफॉर्म करेंगे फीमेल के अंदर। नेक्स्ट लिखते हैं अपन लार्ज बेबी। अगर बेबी लार्ज है तो भी वेजाइनल ओपनिंग को अपन को वाइड करना पड़ेगा एपिजियोटोमी के थ्रू। नेक्स्ट लिख सकते हैं अपन फेस डिलीवरी। अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो फेस डिलीवरी होने पर भी अपन एपिजियोटोमी परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट ब्रिज डिलीवरी। नेक्स्ट लिख सकते हैं शोल्डर डिस्टोसिया। अगर शोल्डर डिस्टोसिया की कंडीशन है, मीन जो इंटरनल रोटेशन होता है शोल्डर्स का, वो इंटरनल रोटेशन ना नहीं होगा, वहां पर शोल्डर डिस्टोसिया हो जाएगा, शोल्डर रुक जाएंगे, तो उस समय भी अपन को क्या करना है, एपिजियोटोमी परफॉर्म करना है। तो ये सारे कंडीशंस हैं जिनके अंदर आप एपिजियोटोमी परफॉर्म करते हो। अब नेक्स्ट बात करें कि इसकी जो टाइमिंग है, अब टाइमिंग की बात करें कि एपिजियोटोमी कब परफॉर्म करते हैं अपन, तो यहां लिख सकते हैं अपन द हेड इज थ्री टू फोर सेंटीमीटर आर विजिबल। जो हेड है वो 3-4 सेंटीमीटर अगर विजिबल हो गया है, मीन ये कौन सी कंडीशन है, क्राउनिंग वाली, मीन यहां पर जो प्रोसेस चल रही है वो क्राउनिंग की प्रोसेस चल रही है हेड का। जब अपन देखते हैं रोटेशन, तो हेड रोटेशन में जब क्राउनिंग वाली पोजिशन आएगी तो वहां पर आपको हेड जो है विजिबल दिखेगा वेजाइना के थ्रू 3-4 सेंटीमीटर। और जब 3-4 सेंटीमीटर हेड विजिबल होने लग जाए वेजाइना से, तब अपन पेरिनियम पर एक कट लगाते हैं, इसी को अपन एपिसियोटोमी बोलते हैं। इट इज द आइडियल टाइमिंग है ये एपिजियोटोमी परफॉर्म करने की। और ये क्राउनिंग की जब प्रोसेस होगी तब ऐसा देखने को मिलेगा, 3-4 सेंटीमीटर हेड जैसे ही विजिबल होगा फीटस का, तब आपको एपिसियोटोमी परफॉर्म करनी है। ये आइडल टाइमिंग है, यहां पर पेरिनियम बल्ज होने लग जाएगी इस समय। बल्ज का मतलब है ऊपर उठी हुई थिन हो जाएगी उस, और साथ के साथ ऊपर की साइड वो उठी हुई नजर आएगी। इसी टाइम पर आपको एपिसियोटोमी परफॉर्म करनी है फीमेल के अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जब अपन एपिजियोटोमी करेंगे तो उसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं एपिजियोटोमी के एडवांटेज की, इसके फायदे की। अब लिखते हैं अपन इसके एडवांटेज में अपन फर्स्ट एडवांटेज लिखते हैं द क्लीन एंड कंट्रोल्ड इंसीजन आर गुड एंड अर्ली हील देन
लेक्रेटेड इंजरी, इंजरी बोल सकते हैं या वुंड। अब देखिएगा, अगर मान लो कि कोई लेक्रेटेड वुंड है, मीन कोई फट गया है, टिश्यू कट गया है, उसके बाद अगर वो रिपेयर होगा, वो हील होगा, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। जबकि अपन बात करें कि इंसीजन की, जो एक सर्जिकल इंसीजन आपने कंट्रोल्ड और क्लीन इंसीजन लगाया है, तो वो बेटर हील होगा देन लेक्रेटेड वुंड से। तो एक तो ये एडवांटेज है कि जो इसकी हीलिंग होगी वो जल्दी होगी। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं इसके एडवांटेज की, तो रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज। जो लेबर की सेकेंड स्टेज है उसकी ड्यूरेशन को इस प्रोसीजर के थ्रू क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। अब जो डिलीवरी होनी है उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर अपन ने एपिजियोटॉमी किसी फीमेल के परफॉर्म की हुई है तो। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो लिखते हैं अपन, रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंट्रा क्रेनियल इंजरी इन फीटस। जो फीटस का हेड है वो इजिली क्या हो जाएगा, यहां पर डिलीवर्ड हो जाएगा एपिजियोटॉमी करने की वजह से। मीन उसके हेड पर, फीटस के हेड पर स्ट्रेस नहीं लगेगा, और स्ट्रेस नहीं लगने की वजह से क्या होगा, इंट्राक्रेनियल इंजरी जो होने की रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगी एपिजियोटॉमी से। तो एपिजियोटॉमी करने की वजह से जो इंट्राक्रेनियल इंजरी है जो फीटस के अंदर होनी थी, वो कहीं ना कहीं उसकी जो रिस्क है वो आप एपिसियोटोमी करके रिड्यूस कर देते हो। एंड नेक्स्ट लिख सकते हैं, रिड्यूस द ट्रॉमा, रिड्यूस द ट्रॉमा ऑन पैल्विक फ्लोर। जो पैल्विक फ्लोर पर ट्रॉमा होना था, मीन यहां पर अगर आप डिलीवरी करवा रहे हो, बिग फीटस है मान लो, या फिर ब्रिज प्रेजेंटेशन है, ब्रिज डिलीवरी हो रखी है, या फेस प्रेजेंटेशन है, जो भी अपने इंडिकेशन थे, तो उसके अंदर क्या होगा, डिलीवरी अच्छे से नहीं होगी, तो फीटस का जो हेड है वो प्रेशर इंक्रीज करेगा इनर साइड से। तो यहां पर हो सकता है जो पेरिनियल है वो टियर हो जाए, वो फट जाए, वो लेक्रेटेड हो जाए, और उसकी वजह से यहां पर पेल्विक फ्लोर पर क्या हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है। तो अगर आपने एपिसियोटोमी कर दी, तो ये जो होने वाला ट्रॉमा है इसकी रिस्क को आप क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे। तो ये तो हुए इसके एडवांटेज, जो कि मेनली एडवांटेज था इसमें, रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंट्राक्रेनियल इंजरी। फीटस को इंट्राक्रेनियल इंजरी होनी थी, उससे आप बचा लोगे एपिजियोटॉमी करके, एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रॉमा ऑन पैल्विक फ्लोर। जो पैल्विक फ्लोर पर ट्रॉमा हो सकता है उसकी रिस्क को आपने रिड्यूस कर दिया। और कंट्रोल इंसीजन, अगर क्लीन कंट्रोल्ड इंसीजन आप लगाते हो, तो वो बेटर हील होता है देन लेक्रेटेड वुंड से। तो ये तो थे इसके एडवांटेज। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो एपिजियोटॉमी है इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो मेनली इसके 4 टाइप होते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट। अब देखिएगा, बात करते हैं अपन एपिजियोटॉमी के टाइप्स की। इसके 4 टाइप्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, मीडियो लेटरल। अब देखिएगा, मीडियो लेटरल मीन नाम से समझ में आ रहा है, मिड और लेटरल। तो यहां पर जो फोरचिट होती है, फोरचिट के मिड पॉइंट से अपन क्या लगाते हैं, इंसीजर। जो इंसीजन होगा, ये जो इंसीजन है जो अपन ने कहां से लगाया, फोरचिट के मिड पॉइंट से इंसीजन लगाया है, वो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड।
दो साइड अपन लगा सकते हैं, या तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड। और कहां से लगाना है? फोरचिट के मिड पॉइंट से इंसिजन लगाना है, या तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड। अब फोरचिट का मतलब क्या है? जो लीबिया माइनोरा होती है वो थिन फोल्डेड स्किन है, और ये यहां पर जब दोनों मिलती हैं, दोनों फ्यूज होती हैं, तो इस जगह को बोलते हैं अपन फोरचिट। अब इस फोरचिट के मिड पॉइंट से अपन इंसिजन लगाते हैं, या तो ये इंसिजन कैसा होना चाहिए? राइट साइड होना चाहिए, राइट लेटरल होना चाहिए, या ये लेफ्ट लेटरल होना चाहिए। और जब ये राइट और लेफ्ट लेटरल होगा तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एनएस, और एनएस से ये कितना दूर होना चाहिए? तो अपन लिखते हैं इट अवे फ्रॉम एनएस अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर ये एनएस से दूर होना चाहिए, या तो ये राइट साइड होगा या फिर लेफ्ट साइड होगा। और कहां से होगा? फोरचिट के मिड पॉइंट से। और फोरचिट क्या होती है? जब ये लीबिया माइनोरा थिन फोल्डेड स्किन है जो कि फोल्ड होगी और यहां पर ये मर्ज होगी, इस जगह को बोलते हैं अपन फोरचिट। और फोरचिट के पॉइंट से राइट साइड या लेफ्ट साइड पर अपन एक इंसिजन लगाते हैं जो कि एनएस से 2.5 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। इसी टाइप्स को अपन बोलते हैं मीडियो लेटरल। ये मोस्टली यूज किया जाता है, तो यहां लिखते हैं अपन मोस्टली यूज। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला टाइप्स है एपिसियोटोमी में। सेकेंड टाइप की बात करें, सेकेंड टाइप है मीडियन। अब देखिएगा मीडियन के अपन अंदर क्या कर रहे हैं, मीडियन के अंदर अपन ना तो राइट साइड जाएंगे ना लेफ्ट साइड जाएंगे, बिल्कुल डाउनवर्ड जाना है। तो लिखते हैं फोरचिट से कहां जाएंगे अपन? डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड कितना जाना है? तो लिखते हैं 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर अपन डाउनवर्ड जाएंगे और सीधा सीधी लाइन जाएंगे। मतलब कि मान लो जैसे कि ये यहां पर फोरचिट है, और ये फोरचिट से अपन 2.5 सेंटीमीटर डाउन जाएंगे, और यहां आपको क्या देखने को मिलेगा? एनएस देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपन फोरचिट से इंसिजन लगाते हैं 2.5 सेंटीमीटर। मोस्टली जो यूज होने वाला है वो मीडियो लेटरल है, एंड उसके बाद बात करें तो अपन मीडियन है। जो थर्ड टाइप है वो है लेटरल, जो कि बहुत कम यूज होता है, ना के बराबर यूज होता है, क्योंकि उसमें बार्थोलिन जो ग्लैंड होती है, तो उनकी जो डक्ट है बार्थोलिन डक्ट, उनके इंजर्ड होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अब आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूं यहां पर कि लेटरल के अंदर अपन क्या करते हैं। तो यहां लिखते हैं अपन लेटरल टाइप थर्ड। तो नाम से ही समझ में आ रहा है लेटरल। लेटरल का मतलब है यहां पर 1 सेंटीमीटर अपन लेटरल साइड में कट लगाएंगे। इंसिजन जो होगा फोरचिट से ही लगेगा, और फोरचिट से कितना लगेगा? 1 सेंटीमीटर लेटरल साइड। लेटरल साइड, तो फोरचिट से अपन इंसिजन लगाएंगे 1 सेंटीमीटर लेटरल साइड। ये अपन यूज नहीं लेते हैं, मोस्टली यूज नहीं लेते हैं, वाइडली यूज नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें बार्थोलिन डक्ट इंजर्ड होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए अपन इसको मोस्टली यूज नहीं लेते हैं। एंड लास्ट टाइप की बात कर ले यहां तो जे शेप। अब देखिएगा जे शेप्ड के अंदर अपन क्या करते हैं, यहां पर अपन डाउनवर्ड जाकर लेटरल साइड में घूमना है, या तो 7 o'clock या फिर 5 o'clock। ये तो हो गया 7 o'clock, ये हो गया 5 o'clock। 7 o'clock या 5 o'clock डायरेक्शन में अपन डाउनवर्ड घूम जाएंगे, तो इस तरीके से ये इंसिजन लगेगा। तो ये जे शेप्ड हो गया, और जो ये इंसिजन लगेगा ये फोरचिट से 1.5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड जाएगा, और डाउनवर्ड जाकर अपन 7 o'clock या 5 o'clock इंसिजन को घुमा देते हैं। और ये भी मोस्टली यूज नहीं होता। जो मोस्ट कॉमन टाइप है इसके मीडियन और मीडियो लेटरल हैं, जो ही पूछे जाते हैं।
अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अब देखिएगा बात करते हैं अपन प्रिपरेशन की। जब एपिसियोटोमी परफॉर्म करेंगे तो उससे पहले क्या प्रिपरेशन करेंगे, तो फर्स्ट में अपन जो भी ऑपरेटिव प्रोसीजर यूज करते हैं तो इन्फॉर्म द कंसेंट, यहां लिखते हैं अपन इन्फॉर्म द कंसेंट, कंसेंट साइन कराएंगे पेशेंट से। नेक्स्ट बात करते हैं क्लीन द पेरिनियल एरिया, जो पेरिनियल एरिया है जहां पर इंसिजन लगाना है उस एरिया को अपन को क्लीन करना है। एंड देन फिर क्या करेंगे, गिव द लोकल एनेस्थेसिया, तो कितना देंगे 10 ml, 10 ml ऑफ 1% लिग्नोकाइन, 1% लिग्नोकाइन देंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जब अपन ने एपिसियोटोमी परफॉर्म कर ली तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, सुचर, तो यहां लिखते हैं रिपेयर, रिपेयर के अंदर अपन क्या करेंगे, सुचर, सुचर आर डन आफ्टर, कब लगाने हैं सुचर, आफ्टर एक्सपल्जन, एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा, जैसे ही प्लेसेंटा एक्सपेल आउट हो जाएगा उसके बाद सुचर परफॉर्म कर देने हैं जहां पर अपन ने इंसिजन लगाया था सेकेंड स्टेज में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अपन एपिजियोटोमी जब परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पर एपिजियोटोमी की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं फीमेल के अंदर, तो देखिएगा नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, अब देखिएगा लास्ट लिखते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन, एपिजियोटोमी की वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन फीमेल में देखने को मिलते हैं, तो फर्स्ट लिखते हैं अपन जो मोस्ट कॉमन है एनस एक्सटेंशन, जो एनस है वो एक्सटेंड हो सकता है। नेक्स्ट लिखते हैं एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है, एनस वाला जो पार्ट है वो वाइड हो सकता है। नेक्स्ट बात करें तो यहां लिखते हैं अपन वल्वा हेमेटोमा, वल्वा हेमेटोमा वहां पर ब्लड, वल्वा जो वाले पार्ट में ब्लड जमा हुआ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें इन्फेक्शन, अगर सर्जरी करते टाइम हाइजीन मेंटेन नहीं रही तो फीमेल के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट बात करें वेसिको, वेजाइनल फिस्टूला, वेसिको वेजाइनल फिस्टूला देखने को मिल सकता है। वेसिको वेजाइनल फिस्टूला का मतलब है एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन ब्लेडर एंड वेजाइना, जो वेजाइना और ब्लेडर है उनके बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाएगी, उसी को अपन बोलते हैं वेसिको वेजाइनल फिस्टूला, और ये कॉम्प्लिकेशन है एपिजियोटोमी का। एंड लास्ट लिख सकते हैं अपन डिसपेरायूनिया, डिसपेरायूनिया का मतलब है जो सेक्सुअल एक्टिविटी करते टाइम फीमेल को पेन फील होगा, तो यहां लिखते हैं सेक्स पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, देखिएगा यहां पर पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा जिसको डिसपेरायूनिया बोलते हो, ये कॉम्प्लिकेशन है एपिजियोटोमी का। नेक्स्ट है वेसिको वेजाइनल फिस्टूला देखने को मिल सकता है, इन्फेक्शन अगर हाइजीन मेंटेन नहीं रही तो इन्फेक्शन हो सकता है, वल्वो हिमेटोमा ब्लड का जमा हो जाना वल्वा वाले पार्ट में उसको बोलते हैं वल्वा हिमेटोमा, एंड एनस एक्सटेंशन, जो एनस है वो वाइड देखने को मिल सकता है अगर इंसिजन ज्यादा लॉन्ग हो गया है तो। ये तो थे कॉम्प्लिकेशन, एंड ओवरऑल अपन ने एपिजियोटोमी को पूरा पढ़ा जिसको पेरिनियोटोमी भी कहते हैं।
और आज की क्लास को अपन यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती हो तो रेगुलर आप वीडियो को लाइक भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। थैंक यू।